रोमरस के फैन जरा बच के रहना, क्योंकि रोमरस सराफ से रिलेटेड ऐसे 5 प्रश्न पूछने वाला हूँ जिसके उत्तर सिर्फ दोस्तों रोमरस के असली फैन ही देंगे। तो ज्यादा कुछ झंडे नहीं गाने के, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं खाने का, सिर्फ दोस्तों उत्तर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताना है। और हर क्वेश्चन के बीच में 5 सेकंड का टाइम मिलने वाला है सोचने के लिए आपको उत्तर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की शपथ लेके स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा तगड़ा वीडियो और सीधा मुद्दे की बात पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि रोमरस का डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू कब हुआ था? ए 2010, बी 2012, सी 2013, डी 2015। यदि आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि रोमरस ने किस साल का डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल जीता? ए 2012, बी 2014, सी 2015, डी 2018। यदि आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि रोमरस को कितनी पत्नियां हैं? ये 2, बी 1, सी 3, डी 4। यदि आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि रोमरस और ब्रॉक लेसनर का मैच किस साल में पहली बार हुआ था? इसके पर्याय ए 2015, बी 2012, सी 2013, डी 2010। यदि आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताना। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि रोमरस अपना करियर किस में बनाना चाहते थे? ए डब्ल्यूडब्ल्यूई, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या फिर डी बास्केटबॉल। यदि आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यदि आपको इस प्रकार के वीडियो देखना पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताना, और मैं ऐसे वीडियो बनाऊं या फिर नहीं ये फिर कमेंट करके जरूर बताना।